तो गैस क्या आप लोग भी इस एलईडी बल्ब को जैसे ही ख़राब होता है तो आप इसको भी फेंक देते हो? तो गैस ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपका एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आपका ये जब बल्ब ख़राब होता है ना, तो आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक से आप जितने सारे बल्ब है ना, एकदम ईजीली से आप उसको सही कर सकते हो, ठीक कर सकते हो और उसको फिर से यूज़ भी कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस छोटा सा सिंपल सा सेटिंग है, उसको आपको कर लेना है एंड ये आपका बल्ब एकदम सही हो जाने वाला। तो चलिए आज की इस वीडियो को देख ही लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये दोनों एलईडी बल्ब है, ये वाला मेरा सही है और ये वाला ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो आज हम इसको एकदम अच्छे से रिपेयर करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ये ख़राब है कि नहीं, ठीक है। ये हमारा होल्डर है, ठीक। एंड अब हम इसमें पहले ये सही वाला लगाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला लाइट जल रही है, ठीक है। अब हम इसको निकाल देते हैं। अब जो ये वाला है इसको हम लगा के चेक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ये स्लो जल रहा है, ठीक है। मतलब कि एकदम समझ लो एकदम स्लो है, ठीक। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक। तो आपको इस तरीके का एक चिमटी लेना है, देख सकते हो आप, और यहाँ पर आपको टेप मार देना है ताकि आपको इलेक्ट्रिक ना लगे, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, एक एक बल्ब पे ना, यहाँ पे मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक। यहाँ पे आप इस वाले में देख सकते हो, गैस जैसे ही बल्ब है ना, तो आपको क्या करना है, एक एक पे ऐसे चेक करना है, ठीक। ऐसे ऐसे लगा के चेक करना है। तो उसमें है तो हम चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन सा ख़राब है, और आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से बस एक ही ख़राब रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पकड़ के चेक कर लेना है, अगर वो बल्ब सही रहेगा तो आपका वो बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला बंद हो जा रहा है, ठीक। मतलब ये वाला सही है, ये वाला भी बंद हो जा रहा है। चलिए हम इसमें चेक कर ले रहे हैं, ये वाला भी बंद हो जा रहा है। चलिए हम इस, तो गाइस ये वाले में देख सकते हो अब लाइट जल रही है फुल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इसको बल्ब को निकाल लेना है, ठीक है। इसमें से लाइट में से निकालना है एंड आपको ये वाला बल्ब है, ठीक। तो आपको इसको क्या करना है, इसको तोड़ देना है, इस वाले बल्ब को। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो भी बल्ब पे ऐसे चेक करने पे, यहाँ पे ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ऐसे लगा करके चेक करोगे ना एक एक में, तो इसमें से एक ख़राब रहेगा, और जिसमें ख़राब रहेगा जो वाला बल्ब, उसमें जैसे ही आप टच करते हो ना, तो आपका सारा लाइट एकदम अच्छे से जलने लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करके चेक कर लेना है एंड जो भी आपका ख़राब है उसको आपको तोड़ देना है, ठीक है। तो मेरा ये वाला बल्ब ख़राब हो चुका है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। तो ऐसे करके आपको कुछ इस तरीके से इसको तोड़ देना है, ठीक है। और आपको एकदम अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है, ठीक। क्लियर करने के बाद आपको इसमें मिल जाएगा एक इधर वायर और एक इधर वायर, ठीक है। दोनों तरफ आपको एक एक वायर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सोल्डिंग आयरन मशीन से आपको क्या करना है, इस पर एक मसाला थोड़ा सा रख देना बीच में, ठीक है, ताकि दोनों में कनेक्शन मिल जाए। तो चलिए हम अपना जोड़ वोड़ के लाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप इसको जोड़ देते हो ना, जोड़ने के बाद आप लाइट में लगा करके चेक करोगे तो आपका बल्ब एकदम सही हो जाएगा और जलने लगेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा प्रोसेस करना है। बहुत लोग होते हैं अपना जो भी बल्ब एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाता है उसके बाद बल्ब को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है, या बेच देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, एक बार ओपन करना है एंड ऐसे करके आपको चेक कर लेना है एंड ऐसे करके आपको उसको एकदम अच्छे से बना लेना है। तो गाइस इस पर अब हम मसाला रख के आ चुके हैं, अब चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं ये जल रहा है कि नहीं। तो गैस जैसे ही आप लगा रहे हो लाइट में, एकदम देख पा रहे हो एकदम अच्छे से क्लियर लाइट आपका बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। और अब आपको क्या करना है, सिंपल से इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपका जो ये इसका कवर है, इसको आपको ऐसे करके लगा देना है। जैसे ही आप इसमें फिक्स करते हो, आपका बल्ब एकदम रेडी हो चुका है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा जल रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, एकदम अच्छे से बन चुका है आपका जो भी बल्ब है, ठीक। तो गाइस देखा आप लोगों ने कितने सिंपल तरीके से, आपको कुछ नहीं करना, बस एक बल्ब को तोड़ना है एंड वहाँ पे आपको एक वायर को जोड़ देना है। जैसे ही आप वायर को जोड़ते हो आपका बल्ब एकदम ठीक हो जाने वाला है एंड उसको आप फिर से यूज़ कर सकते हो बहुत दिनों तक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक